जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ग्रास हुपर पर। ग्रास हुपर या इसको लॉकस्ट भी कहते हैं या इसको हम बोलते हैं टिड्डा। आज आपको टिड्डे के बारे में समझना है कि वास्तव में टिड्डा क्या होता है और ये किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी बाहरी संरचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले टिड्डे के बारे में हम समझेंगे। टिड्डे का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में तीन चार चीजें हमको खास करके ध्यान रखनी होती है। एक होता है फाइलम। तो ये टिड्डा जो होता है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक इंसेक्ट होता है जिसकी क्लास जो होती है वो होती है इंसेक्टा और इसका ऑर्डर या इसका जो गण होता है उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोप्टेरा। इसका जो जीनस होता है वो होता है सिस्टोसर्का और इसकी जो जाति या स्पीसीज होती है वो कई सारी स्पीसीज होती है जिसमें एक होती है बनियान और एक होता है ग्रे गिरिया। तो इस प्रकार से हम टिड्डे का जो साइंटिफिक नेम है वो दो प्रकार से ले सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं सिस्टोसिल्का ग्रेगिरिया और एक को हम बोलते हैं हेलियोग्लाइपस बनियान। टिड्डा और टिड्डी ग्रास ऊपर ये एक प्रकार का जो है एक शाकाहारी इंसेक्ट होता है जो मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आता है और इसमें जो है इसका ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा होता है और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है सिस्टोसिल्का ग्रेगिरिया और हेलियोग्लाइपस बनियान। इसके बाद में हम बात करेंगे टिड्डे की बाह्य संरचना की। टिड्डा जो होता है संरचना की अगर हम बात करें तो टिड्डा जो होता है वो एक प्रकार का इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है। एक होता है सिर जिसको हम बोलते हैं हेड, दूसरा होता है वक्ष जिसको हम कहते हैं थोरैक्स और तीसरा होता है उदर जिसको हम बोलते हैं एब्डोमन पेट। अगर हम सिर की बात करें तो जो टिड्डा होता है इस टिड्डे के अंदर या इस टिड्डे के सिर में एक जोड़ी जो है वो सरल नेत्र पाए जाते हैं और एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। मतलब नेत्र या आंखें दो टाइप की होती है, एक कंपाउंड होती है संयुक्त होती है और एक सिंपल नेत्र होती है और साथ ही साथ में उसमें जो है वो एंटीना पाई जाती है और काटने और चबाने वाले जो है वो माउथ पार्ट पाए जाते हैं और इनका जो हेड वाला पार्ट होता है वो इस प्रकार से नीचे होता है। ये हाइपोग्लेनथस प्रकार का होता है। इसमें इसकी गर्दन या इसका सिर वाला भाग जो है वो अंदर की ओर मुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लेनथस। इस प्रकार से टिड्डा का जो सिर वाला भाग होता है इसमें एक जोड़ी जो है वो सिंपल आई होती है, एक जोड़ी जो है वो कंपाउंड आई होती है, एक एंटीना होती है और एक फिटिंग एंड बिटिंग टाइप या काटने या चबाने वाले जो है वो माउथ पार्ट पाए जाते हैं। दूसरा होता है वक्ष। टिड्डे का जो वक्ष होता है वो तीन भागों में बांटा जाता है। इसको हम बोलते हैं अग्रवक्ष, मध्यवक्ष या मिडिल और एक होता है
पश्चवक्ष या इसको बोलते हैं एंटी का थोरेक्स। तो इसका जो अग्रवक्ष होता है वो काफी बड़ा होता है और मध्य वक्ष और अंत वक्ष में दो जोड़ी जो है वो श्वास रंध या हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तीसरा जो होता है उदर या एब्डोमन। अगर हम एब्डोमन की बात करें या हम एब्डोमन की बात करें तो पिड्डे का जो एब्डोमन जो होता है वो 13 खंडों का होता है, 13 खंड होते हैं। जैसे सील की बात करें तो सील में 6 खंड होते हैं, वक्ष में जो है वो 3 खंड होते हैं, ऐसे ही उदर में जो है वो 13 खंड होते हैं। और इन 13 खंडों में से जो 10वां खंड होता है उस 10वें खंड पर जो है वो नर और मादा दोनों जननांग जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम टिड्डे की बात करें तो टिड्डा जो है एक हर्बीवोरस, ये एक शाकाहारी इंसेक्ट होता है, एक शाकाहारी कीट होता है जो समस्त प्रकार की वनस्पतियों को जो है वो खा लेता है। टिड्डा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है माइग्रेट जिसको अपन बोलते हैं प्रवासी और एक होता है नॉन माइग्रेट। कुछ टिड्डों की प्रजातियां ऐसी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंच जाती है और कहा जाता है कि एक टिड्डा दल जो होता है वो एक दिन में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर कर सकता है। लेकिन जो नॉन माइग्रेट या जो अप्रवासी टिड्डे होते हैं वो एक जगह पर ही रहकर जो है वो फसलों को खाकर अपना भोजन लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो टिड्डा जो होता है एक प्रकार से एक शाकाहारी इंसेक्ट है जो मुख्य रूप से किसानों का प्रमुख शत्रु कहलाता है। वैसे इसका कोई जहरीला प्रभाव या इसके काटने से जहरीला प्रभाव किसी मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन ये जो टिड्डा जो होता है ये फसलों को जो है वो बहुत नुकसान करता है। ये जहां पर भी जाता है वहां पर पूरी फसल को चौपड़ कर देता है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में ये जो टिड्डा जो होता है वो खास करके अफ्रीका, ईरान और पाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र है वहां से जो प्रवासी टिड्डे जो है वो हमारे देश में आते हैं। और हमारे देश का जो पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा ये प्रवेश करते हैं। इसलिए हमारे देश में हरियाणा और पंजाब में इस टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए कई सारे निदेशालय या कुछ संस्थान जो है वो खोले गए हैं जो टिड्डियों की आने की सूचना देते हैं और साथ ही साथ इन टिड्डियों से कैसे निपटना है उसके बारे में हमको समय समय पर सूचना देते रहते हैं। टिड्डी एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसको अगर आपको भगाना है तो भगाने के लिए आपको साउंड करना पड़ेगा, आपको ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे तो ये चला जाएगा। अगर आपने धुआं या आग दिखा दी तो चला जाएगा। या तो जो है वो आर्सेनेट का जो है वो फसलों के ऊपर या इसके ऊपर जो है वो छिड़काव कर देने से जो है वो टिड्डे नियंत्रित हो जाते हैं या टिड्डे जो है वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से टिड्डा जो है वो फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और इस टिड्डों को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम टिड्डे के पाचन तंत्र की बात करें, यदि हम टिड्डे के पाचन तंत्र की बात करें तो टिड्डे का जो पाचन तंत्र होता है वो भी 3 भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्चिम। तो टिड्डे का जो पाचन तंत्र का जो अग्र भाग होता है उस अग्र भाग में मुंह या माउथ, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स या ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस, ये 3 चीजें पाई जाती है। इसका जो मध्य भाग होता है इसमें जो है वो गिजार्ड या पैसनी पाया जाता है, गिजार्ड ये पाया जाता है। और तीसरा जो पश्चिम भाग होता है इसमें मुख्य रूप से छोटी आंत और बड़ी आंत पाई जाती है। इसमें ये जो मध्य भाग होता है इसमें ये जो गिजार्ड पाया जाता है, गिजार्ड का जो काम होता है मुख्य रूप से जो है ये चारे को पीसने का काम करता है। गिजार्ड जो होता है एक प्रकार की जो है वो चक्की होती है नेचुरल, जो खास करके टिड्डे के अंदर पाई जाती है और ये भोजन को जो है वो बारीक पीसने का या ग्रिंडिंग का काम करती है। और साथ ही साथ में ये जो मध्य भाग जो होता है इसमें लगभग जो है वो 6 जोड़ी जो है वो हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है या हिपेटिक सेल्स पाई जाती है। और वो हिपेटिक सेल्स जो होती है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है जिससे भोजन का पाचन होता है। लेकिन ये जो पश्चिम भाग होती है, ये जो छोटी आंत होती है इसमें मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण का कार्य होता है। और साथ ही साथ में इस पश्चिम भाग में जो है
वो डिड्डे के अंदर जो है वो मेल्पीजियन नलिकाएं पाई जाती है, और ये मेल्पीजियन नलिकाएं जो होती है वो एक्सक्रेशन का काम या उत्सर्जन के कार्य का काम करती है। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोगों ने जो है वो टिड्डे के पाचन तंत्र के बारे में समझा। और हम समझते हैं कि वास्तव में टिड्डा जो होता है एक 5 से 8 सेंटीमीटर एक लंबा और जो है वो बेलनाकार जो है वो एक कीट होता है, जो निम्फ अवस्था में गुलाबी रंग का होता है, लेकिन जैसे ही ये वयस्क हो जाता है तो ये हरे पीले और भूरे रंग का जो है वो हो जाता है, और ये मुख्य रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाता है। बस आज के लिए इतना। जय हिंद।